चल मुन्ना ध्यान दे अच्छे से, आ जा बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आ जा। तो देख क्वेश्चन नंबर 21, द पर्पज ऑफ द अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल का पर्पज क्या होता है? मुन्ना प्लीज ध्यान देना, दिख रहा है सभी को? सो ओके ऐसे अकोमोडेशन बिल का पर्पज क्या होता है? वैसे ये अकोमोडेशन बिल आपके सिलेबस में नहीं है, यहां पे एक्स्ट्रा बोल के लिख लेना, बट एक चीज आपको बता देता हूं, जब कभी भी दोनों पार्टीज को पैसों की जरूरत होती है तो उस समय हम लोग क्या करते बेटा, अकोमोडेशन बिल ड्रॉ करते। उस समय हम लोग क्या करते हैं, अकोमोडेशन बिल ड्रॉ करते। दोनों पार्टी को पैसों की जरूरत थी, दोनों पार्टी के बीच में कोई व्यवहार नहीं था, फिर भी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर मजाक मजाक में बिल ड्रॉ किया, दूसरे पार्टी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद सामने वाले ड्रॉअर को दे दिया, ड्रॉअर ने उस बिल को डिस्काउंट करके बैंक से पैसे ले लिए और पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए, और ड्यू डेट के दिन जब बैंक ड्रॉअर के पास पैसे लेने जाएगी ड्यू डेट के दिन, तब दोनों मिलकर आधे आधे पैसे दे देंगे, बरोबर है? तो इस टाइप के बिल को जिसका कोई बेस ट्रांजेक्शन नहीं होता है, आज तक हमने जो बिल देखे थे वो ट्रेड बिल थे जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन था ड्रॉ ड्रॉई के बीच, इसीलिए बिल ड्रॉ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, इसीलिए इस टाइप के बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। दोनों पार्टी को पैसों की जरूरत थी, दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, फिर भी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के बिल को अपने यहां अकोमोडेट कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? चले बेटा आगे, सो ध्यान देना सभी ने। सो पर्पज ऑफ अकोमोडेशन बिल इज टू फाइनेंस द एक्चुअल परचेस और सेल, टू फैसिलिटेट द ट्रेड ट्रांसमिशन व्हेन बोथ पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स। यस, बोथ पार्टीज आर इन नीड ऑफ फाइनेंस। आर यू गेटिंग माय गाइस? यस और नो? चलो आगे। एम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू एन, एम ने एन को माल बेचा है बेटा, प्लीज ध्यान देना। यस, स्क्रीन दिख रही है ना बेटा सभी को? हम लोग अपने फोन को एक बार पानी में डुबा के बाहर निकाल बेटा, दिख जाएगी तुझे स्क्रीन। बाकी सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है मुन्ना? यस। सो एम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू एन, एम ने एन को माल बेचा ऑन 1st October 11, एन इमीडिएटली एक्सेप्टेड द 3 month बिल ऑन ड्यू डेट एंड रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी renewed for a fresh period of 3 months and agrees to pay interest at 18% per annum in cash. How much interest to be paid in cash by N? कितना interest हम लोग N को pay करेंगे in cash? कितना interest हम लोग N को pay करने वाले हैं in cash? Yes बेटा, anybody? बोलो। सॉरी, हम नहीं, एन पे करेगा इंटरेस्ट, निकालो। वेरी गुड, ओके। 2250 2250, एन बोल रहा है बिल को 3 महीने के लिए रिन्यू करेंगे, ठीक है। एन कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 50,000 का बिल था, ड्यू डेट के दिन वो बोलता है 3 महीने के लिए बिल रिन्यू करो, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 18%। सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कैलकुलेटर लो, बटन दबाओ, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सो 2250। वेरी गुड मेरे बच्चे। नेक्स्ट, ऑन 1st of January 2011 नेक्स्ट ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 30,000। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ड्यू डेट के दिन एन हमारे पास आया और बोला मैं आज पैसे नहीं दे सकता हूं, 3 महीने बाद दूंगा, इसीलिए हमने क्या किया, 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया उसे। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। ओका, डन। चल ग्रेट। नेक्स्ट, एट मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन 1st January 2011, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 30,000 के लिए, और ये ड्यू डेट के दिन बोलता है रिन्यू करो बिल 2 महीने के लिए विथ 12% इंटरेस्ट पर एनम, नोटिंग चार्जेस 100 था, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट कितना रहेगा? बोलो बेटा फटाफट से, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट कितना रहेगा? गाइस आ जा अच्छे से ध्यान देना, क्या बोले बेटा, 30,000 का बिल था, ड्यू डेट के दिन वो बोल रहा है कि भैया सुनो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने के लिए बिल रिन्यू करना होगा, और टुगेदर विथ 12% इंटरेस्ट,
टुगेदर विद 12% इंटरेस्ट, और कितने महीने का आ जाएगा बेटा फिर यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट, और नोटिंग चार्जेस कितना था बेटा 100 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना अच्छे से, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो सिर्फ 600 रुपए ही आ रहा है ना। आपने इंटरेस्ट 602 क्यों बोला? आपने क्या 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस के ऊपर भी इंटरेस्ट ले लिया क्या? नोटिंग चार्जेस पे इंटरेस्ट मत लेना गाइस, नोटिंग चार्जेस पे इंटरेस्ट नहीं लेना है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी 600। ये समझ में आया सभी को? ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया तो हम लोग, हाँ अरे बिल डिसऑनर हो गया तो हम लोग नोटरी ऑफिस में चले गए, नोटरी ऑफिस के अंदर में जाकर के बिल डिसऑनर का हमने फैक्ट लिखवा दिया, नोटरी ऑफिसर ने 100 रुपए ले लिए। अरे इस 100 रुपए के ऊपर क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो आप लोग? नेक्स्ट, ऑन 18 फेब ए ड्रॉज द बिल ऑन बी फॉर 10,000, बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन 21 फेब, द बिल इज ड्रॉन फॉर 30 डेज आफ्टर साइट, मैच्योरिटी डेट क्या रहेगा? आफ्टर साइट है तो हम लोग कहाँ से लेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, 21 फरवरी 2011, है ना 2011, ये लीप ईयर नहीं है, मतलब इसके अंदर में फरवरी 28 दिन का रहेगा। 21 फरवरी से आगे 28 फरवरी तक कितने दिन है? सो फरवरी में हो गए 7 डेज, टोटल बिल का ड्यूरेशन था 30 डेज, तो मार्च में और कितने दिन आ जाएंगे? टोटल 30 चाहिए, ये फरवरी में 7 हो गए तो मार्च में 23 दिन, तो बिल का डेट आ गया 23 मार्च प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड 24, 25, 26 मार्च। वेरी गुड। अरे याद आ रहा है क्या? वी हैव टू अप्लाई जस्ट स्टेप्स, जो भी हमने स्टेप्स पढ़ी वो सारी स्टेप्स आंख बंद कर अप्लाई करना है। हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल, पूरा पूरा एक लेक्चर हमने इसके लिए दिया है मुन्ना। हाँ, नेक्स्ट, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 3 लाख, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, 3 लाख का माल बेचा, आधा अमाउंट कैश में मिल रहा है, मतलब बचा हुआ आधा शायद मिलना बाकी है, एंड बैलेंस इन बिल रिसीवेबल फॉर व्हाट अमाउंट एक्स शुड ड्रॉ बिल, ये इतना आधा बिल के फॉर्म में रहेगा, तो आधा कितना रहेगा बेटा? 1.5 लाख रुपए। डन। विशाल जेसवानी ने बोला ग्रेस पीरियड एक बार बताओ ना सर। यस, ग्रेस पीरियड 3 दिन का रहेगा, खत्म हो गया ग्रेस पीरियड। 23 मार्च आ गया, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 24, 25, 26 आ गया 26 मार्च। विशाल जेसवानी समझ में आया बेटा? देन आ जाओ, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 50,000 फॉर 3 मंथ एट मैच्योरिटी, बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 500, 40 पैसे इन रुपीज रिकवर्ड बी फ्रॉम बी स्टेट, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी रिकॉर्डेड इन द इंसॉल्वेंसी एट द इन द बुक्स ऑफ बी। बरोबर, ध्यान देना क्या हुआ। ए बेटा ध्यान दे, मुना ध्यान देना, 50,000 का बिल था, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, हमने नोटिंग चार्जेस पे किए 400-500 रुपए, सो टोटल अमाउंट कितना लेना है? 50,500। टोटल अमाउंट कितना लेना है? 50,500। ड्यू डेट के दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, टोटल रिसीवेबल ड्यू डेट के दिन पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, कितना पैसा रिकवर हुआ? 40 पैसे रिकवर्ड। देयरफोर 60% और 60 पैसे, यानी 60% बैड डेट, या जो इंसान इंसॉल्वेंट हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिशिएंसी। सो बताओ इसका 60% कितना आ जाएगा बेटा? 30,300। डेफिशिएंसी के बारे में पूछा था ना, बरोबर है क्या? सो डेफिशिएंसी कितनी रहेगी? 30,300। बैड डेट कितना रहेगा? 20,200। बट हमें ये बैड डेट बोल रहा हूँ, पैसे कितने रिकवर होंगे? 20,200। बैड डेट कितना हुआ? 30,300। हमें यही तो पूछा है, बैड डेट और डेफिशिएंसी कितना हुआ इन द बुक्स ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन। सो डेफिशिएंसी कितने की आएगी बेटा आपकी? 30,300 की, राइट?
ऑल सेट. हेलो गाइस, डन लिखा, ग्रेट. नेक्स्ट, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000, ए विल ग्रैंड 5% डिस्काउंट टू बी, बी रिक्वेस्टेड ए टू ड्रॉ बिल. अच्छा, ए चाहता है, गुना प्लीज ध्यान देना, ए बोल रहा है कि ठीक है मैं बिल रिन्यू कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ द बिल विल बी, बोल बेटा, ए ने माल बेचा बी को 20,000 का, ए ग्रैंड 5% डिस्काउंट टू बी, बी रिक्वेस्टेड ए टू ड्रॉ बिल. बोलो बेटा, 20,000 का माल बेचा, 5% का डिस्काउंट दिया, 5% यानी 1,000 बैलेंस अमाउंट के लिए बिल रहेगा, सो बिल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 19,000. जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. डन, ऑल सेट. चलो आगे. फीस पेड इन कैश टू नोटरी पब्लिक इज चार्ज बाय, बोलो बेटा कौन चार्ज करता है, होल्डर ऑफ द बिल. एक्स्ट्रा लिख करके दे रहा हूं, चार्ज टू किसको चार्ज करते हैं, ड्रॉई को. कौन चार्ज करता है, चार्ज बाय होल्डर ऑफ द बिल, चार्ज टू ड्रॉई. क्या पूछा है, अमाउंट बी पेड बाय ए टू सी, अमाउंट बी पेड बाय ए टू सी. मुना प्लीज ध्यान देना, ए सी को कितना अमाउंट पे कर रहा है, बरोबर. चलो बता देना बेटा, ए ड्रॉज बिल ऑन बी फॉर 50,000, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए के पास बिल आ गया, ए ने वो बिल को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,500 सी को. सी कौन था, क्रेडिटर. क्रेडिटर को कितना देना था, 50,500. बिल एंडोर्स कर दिया कितने का, 50,000 का. ओ वाव, ए को फायदा हो गया 500 रुपए का. आगे देखो और क्या बोला है, नो, और आगे बोला है, नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹200 एज द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, बट ड्यू डेट के दिन जब सी गया था बी के पास तो बिल डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस कितने पे किए बेटा, 200. आगे बोला है, ए वांट टू पे द अमाउंट टू सी एट 2% डिस्काउंट अमाउंट पेड बाय ए टू सी. अब ए चाहता है कि वो पूरा का पूरा पैसा सी को पे करे. पहले तो ये बता दो सी को देना कितना है, आ जाओ. सो बाय द वे, सी को ओरिजिनली देना था 50,500, हमने फुल सेटलमेंट में बिल दे दिया था 50,000 का, हमें डिस्काउंट मिल गया था, हम बड़े खुश थे, 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था. सो सी को कितना देना था, 0. जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, अब सी मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया, अब सी को फिर से देना है कितना मालूम है, पुराना वाला 50,000 प्लस उसने जो 500 का डिस्काउंट दिया था वो भी रिवर्स हो जाएगा, बरोबर है क्या. सो 50,500 सी को देना है, प्लस नोटिंग चार्जेस भी जो सी ने पे किए होल्डर ऑफ द बिल ने, वो भी हमसे वसूल करेगा ना. नोटिंग चार्जेस कितने पे किए, 200. सो ये भी देना है, सो सी को देना है 50,700. सी को कितना देना है, 50,700 टोटल पेएबल टू सी 50,700. पहले जब बिल डिस्काउंट किया था हम बड़े खुश थे, 50,500 का सेटलमेंट 50,000 के बिल में कर दिया था, 500 का डिस्काउंट मिला था. सो सी को कितना देना बाकी था, 0. लेकिन जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, अगेन सी को कितना देना है, 50,500 प्लस नोटिंग चार्जेस 200. अब सी बोल रहा है मैं तुझे इसमें 2% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं. सो 50,700 माइनस 2%, सो 49,686. वेरी गुड, बहुत ही प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, लिख लेना सभी ने. क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है, डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द चेक अमाउंट विल बी, फटाफट से बता देना। आज काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूं मुन्ना, ध्यान देना, आ जाओ। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 1 लाख, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, क्या पूछा है? चेक अमाउंट। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 लाख रुपीज का। ए ड्रॉज द बिल टू सी, बी बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 1000, तो 1 लाख प्लस 1000 देना है। बी रिक्वेस्ट ए टू एक्सेप्ट द अमाउंट एट 2% डिस्काउंट, सेम वैसी ही पिछले के जैसा, 1 लाख 1000 देना था माइनस 2% डिस्काउंट, 1 लाख 1000 माइनस 2% डिस्काउंट 98,980, सिंपल डन, ऑल सेट। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ, प्लीज ध्यान देना आप सभी ने। एस ड्रॉज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2011 फॉर रुपीज 3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 3000 इज फॉर 2 मंथ्स, वाइल द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 5000 इज फॉर 3 मंथ। द बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय के, ओके, ऑन 4th मार्च, के रिक्वेस्ट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट ऑफ 18%, पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी दे दिया, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, एस एग्री टू दिस प्रपोजल। ऑन 20th मार्च, के रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 5000, इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 50 बिफोर द ड्यू डेट, द रिन्यूड बिल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड द के बिकम्स इंसॉल्वेंट, है ना। ऑन 60 पैसे इन रुपी रिकवर्ड हुआ, हाउ मच बैड डेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एस, प्रॉपर फुल प्लेस सम है, बोलो। बोलो बेटा, चलो आ जाओ, अभी हिसाब किताब देख लेते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा, पुनः ध्यान देना, बड़ा प्यारा सम है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया था हमें, पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ बैड डेट। चलो, एस ने 2 बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर, एक बिल कितने का था 3000 का, एक बिल था 5000 का, 3 और 5000 का बिल। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3000 इज फॉर 2 मंथ, सो बिल 1 कितने का था 3000 का, बिल 2 5000 का, ये कितने के लिए था 2 मंथ, दूसरा वाला बिल था 3 मंथ। दिस बिल्स वर एक्सेप्टेड बाय के ऑन 4th मार्च, है ना, ओके, और एक्सेप्टेड बाय के, आगे बोला है 4th मार्च को के रिक्वेस्ट कर रहा है टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ ए इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 मंथ, फर्स्ट बिल वो रिन्यू करने की बात कर रहा है। सो फर्स्ट बिल के अंदर में कितना आ जाएगा, 3000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा 3000 इंटू 18% इंटू 2/12, निकाल रहे बेटा 3000 इंटू 18% इंटू 2/12 कितना है बेटा, ₹90 का इंटरेस्ट आ रहा है। सो ये बिल रिन्यू हो गया, इसकी जगह कितने का बिल आया नया, 3090। और आगे क्या बोल रहा है कि रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 5000, कब रिटायर कर दिया 20 मार्च को, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 50, दूसरा बिल के ने पे कर दिया, रिटायर कर दिया, यानी उससे पैसे आ गए, कितने आए बेटा 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, मतलब 4950 हमारे पास पैसा आ गया। और हमने डिस्काउंट कितने का दिया, रिबेट कितने का दिया 50 का, तो इसका हिसाब खत्म। सो सेकेंड वाले बिल का हिसाब हमारा खत्म हो गया, ये बिल ऑनर हो गया। अभी बस बिल नंबर 1 जो 3000 का था उसने रिन्यू करने बोला, तो ₹90 का इंटरेस्ट लगा के 3090 हो गया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल के बिकम इंसॉल्वेंट, तो रिन्यूड बिल के पहले के इंसॉल्वेंट हो गया। अब के से ये बिल का पैसा लेना था, रिसीवेबल कितना था बेटा 3090, कुछ नोटिंग चार्जेस पे किया है क्या, नहीं। और के से कितना पैसा आया, ओनली 60% रिसीव्ड हुआ, बचा हुआ 40% डूब गया। हमें बैड डेट पूछा या रिकवर्ड पूछा है, बैड डेट, तो बैड डेट का बता दो 3090 इंटू 40%, 1236।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को? मोक्षी सिंपल क्वेश्चन है, बराबर है क्या? 40% डूब गया। अरे कितना टाइम लगा, क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ? जी हां, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बिल टू का हिसाब पूरा हो गया, बिल टू तो क्लियर हो गया, बिल टू का कोई देखने की जरूरत नहीं। बिल वन के अंदर में पहले था, फिर रिन्यू किया तो टोटल अमाउंट 3090, इसमें 60% आया, 40% डूब गया। हमें यही पूछा था ना, बैड डेट कितना हुआ, सिंपल। अच्छा अब एक काम करना, इसके आगे के क्वेश्चंस आज आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, यस और नो, क्लियर है? फटाफट से आपने ट्राई करना है, पेंडिंग एक भी रखना नहीं है। मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दी है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आपको हार्ड कॉपी बहुत जल्दी मिल जाएगी बेटा, ठीक है? सो फटाफट से आगे क्वेश्चन आपने क्या करना है, आज ट्राई करके लेना है, ठीक है? आगे के क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क करना है, आज करोगे। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ स्क्रीन पे, ठीक है? सारे क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे लूंगा, सो चिंता करना मत। और जो क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं रेगुलर बुक के भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ, इसके अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। सो डोंट वरी, बोलो हरी, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज, टेक केयर, बाय।